तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद मुश्किल वाली काम जो होता है कि क्लॉथ वॉश करना है, या फिर जो हमारा जो बहुत सारा क्लॉथ ऐसा है यूरिन वगैरह गिर जाता है तो वो जो वॉश करना आता है ना वो बहुत मुश्किल सा काम होता है। तो पहले तो मम्मी जी ने ये सब करता था, फिर धीरे धीरे मैं उस खुद ये सब करता हूँ। आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैंने जो कपड़ा है एवरीडे का वो जो वॉश करता हूँ उसका जो प्रोसेस है क्या कैसे मैं क्या करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कपड़ा है और भी यहाँ पे कपड़ा है और भी कपड़ा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे मैं क्लॉथ वॉश करता हूँ एवरीडे का। यहाँ पे देखिए जो कॉरिडोर है छोटा सा, सामने ही है मेरा वॉशिंग मशीन जिससे मैंने वॉश करता हूँ एवरीडे क्लॉथ। यहाँ पे देखिए एक डस्टबिन है, उसमें मैं हर रोज़ का जो कपड़ा है वो उसके अंदर डालता हूँ। फिर दो तीन दिन या फिर अगर ज़्यादा कपड़ा है तो हर रोज़ मुझे क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो मैं दो तीन दिन में एक बार क्लॉथ वॉश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कपड़ा है, दो तीन दिन से मैं उसको वॉश नहीं किया तो आज उसको वॉश करते हैं। तो ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें अगर कपड़ा डाल के आपको कुछ सर्फ वगैरह दे दोगे तो आपको पूरा वॉश करके आधा ड्राई करके दे दे। हम लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाता है क्योंकि हम लोग का है ना कपड़ा बहुत गीला हो जाता है। तो अभी दिखाते हैं कि कैसे मैं उसको वॉश करता हूँ। उसको पहले ओपन करते हैं, फिर कपड़ा डालते हैं। ये देखो फिर कपड़ा देना है, एक्चुअली बहुत सारा कपड़ा एक साथ हो गया था क्योंकि मैंने दो दिन से कपड़ा वॉश नहीं किया। बस आपको सर्फ वगैरह देना है और कुछ काम नहीं है, कपड़ा ढालो जितना सारा आपको क्लॉथ है ये सारी सबको अंदर ढालो। और ये शर्ट है उसको थोड़ा उल्टा करके देना है क्योंकि मेरा ये फेवरेट शर्ट है वाइट वाला, तो उसको उल्टा करके देने से मतलब वॉशिंग मशीन है ना भाई आपको क्लॉथ बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है। हाथ से धोने में जितना आपको सॉफ्टली आप हम लोग वॉश करते हैं ना, वॉशिंग मशीन तो आपको बहुत जोर से वॉश करता है ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और भाई साहब ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, अभी ख़त्म हुआ भाई साहब, देखो कितना सारा कपड़ा है। अगर ये हम लोग वॉश करेंगे ना हाथ से तो बहुत मतलब मुश्किल सा हो जाएगा। ये हो गया पूरा फुल हो गया वॉशिंग मशीन, अभी उसको ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं। फिर प्रोग्राम है वहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम है तो मुझे फास्ट वाला सेलेक्ट करना है, जैसे कि तीन नंबर में फिर स्टार्ट देना है। तो अभी उसको ख़त्म आने देते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं 23 मिनट लगेगा। फिर ख़त्म होने के बाद हम लोग उससे निकाल के बाहर कैसे मैं देता हूँ वो आपको आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले उसको ओपन करना, फिर यहाँ पे मैंने एक पॉकेट लिया, ये देखिए पूरा का जो कपड़ा है ना पूरा वॉश हो गया, ये देखो आधा ड्राई हो गया। जो है सारे कपड़ा को अंदर से निकालना है, बस कंप्लीट हो गया। अभी उसको धूप में लेके जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। मतलब वो बकेट को पकड़ के ना आपको एक हाथ से व्हीलचेयर चला के जाना पड़ेगा। ये देखो देखो मैं कैसे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलग से एक तार लगवाया
मेरा हाइट से ज़्यादा हाइट नहीं है क्योंकि मैं उसमें देता हूँ, तो इसलिए उसको ज़्यादा हाइट में नहीं है। ये देखिए, ये मेरा डेली का कपड़ा है, डेली जो यूज़ करता हूँ। ये है मेरा कुशन का कवर। मैं दूसरा साइड जाते और भी हाइट होगा तो आपको, आप भी दे सकते हैं, इतना तक आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉस हो गया तार, तो ये आपने देखा कि मैंने कैसे यहाँ पे कपड़ा वॉश किया और फिर धूप में देता हूँ एवरी डे। तो आप अगर अकेला है तो घर में ये खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है ना, आपको एक्सरसाइज हो जाता है। जैसे कि अभी सो मान लो कि उसको मैं कपड़ा ले रहा हूँ तो नीचे जा रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, तो उसमें है ना एक्सरसाइज होता है। मतलब आप अगर एक ही जगह में बैठे होगे तो आपको बेड सोर होने का भी चांसेस रहेगा, नीचे हिट होगा, फिर आपको पुशअप देना पड़ेगा। आप अगर काम करोगे तो उसमें है ना आपको मतलब अपने आप एक्सरसाइज होते जाता है और आपको पुशअप भी करना नहीं पड़ता। तो वही एक्टिविटी होता है पूरा दिन में आपको।